9 अक्टूबर 2024 देर रात खबर आई कि भारत के रतन का निधन हो चुका है। बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाटा कंपनी के देश भर में कई बड़े बिजनेस और वेंचर्स हैं, जिसमें से एक है मुंबई का ताज होटल। अब मुंबई के ताज से भी एक बड़ी खबर मिली है। दरअसल इस दुखद घटना के बाद मुंबई के ताज होटल ने सभी समारोह रद्द कर दिए हैं। ताज होटल से रतन टाटा का हमेशा से ही गहरा लगाव रहा है। हालांकि ताज ही नहीं, देश भर में रतन टाटा के निधन के बाद शोक की लहर है। छब्बीस ग्यारह को मुंबई आतंकी हमलों से गूंज उठा था। ताज होटल के गुंबद में लगी आग कोई नहीं भूल सकता। करीबन 3 दिनों तक मुंबई का ताज सुर्खियों में रहा। इस दौरान होटल में ठहरे कई लोगों की जान गई। गोलीबारी और धमाकों से मुंबई की आन बान शान ताज होटल को बड़ा नुकसान हुआ। और यही वो समय था जब ताज होटल को फिर से खड़ा करने के लिए रतन टाटा ने जी जान लगा दी। आतंकवादी हमले के बाद ताज होटल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें रतन टाटा ने बड़ा रोल निभाया। ऐसे में रतन टाटा के देहांत के बाद उनकी याद में ताज के सभी सेलिब्रेशंस और इवेंट्स को रोक दिया गया है। ये कदम रतन टाटा के प्रति गहरा सम्मान दिखाता है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि टाटा परिवार और ताज होटल के बीच कितना खास जुड़ाव है। ये भी बताते चलें कि टाटा ग्रुप के जहांगीर रतनजी दादा भोए टाटा ने ताज होटल को बनवाया था। ये भी जान लीजिए कि रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र में एक दिन का शोक घोषित किया गया है। पूरे राज्य और देश भर में लोग रतन टाटा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताओं से लेकर आम जनता तक सभी ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। वाकई शांत व्यक्तित्व और समाज सेवा के लिए रतन टाटा को हमेशा याद किया जाएगा। इसे भारत हमेशा याद रखेगा। रतन टाटा का मानना था कि कोई भी कारोबार सिर्फ फायदा या पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। रतन टाटा ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया और उनकी परेशानियों को समझा है। यही वजह है कि भारतवासी उन्हें श्रद्धा और सम्मान से याद कर रहे हैं। जान ले कि आम जनता रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकती है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को दक्षिण मुंबई में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा जाएगा। यहां पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार आज दिन में मुंबई के वर्ली इलाके में किया जाएगा।